पिछले 8 सालों में मुझे ऐसी कितनी छुट्टियां मिल चुकी है? 10। और पता है मैं अब तक यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अब तक इनमें से एक भी छुट्टी नहीं ली है। मतलब 5। अगर तुम ये जॉब नहीं खोना चाहती तो छुट्टी कैंसिल कर दो। पर बॉस ने तो हाँ कहा था। नहीं 5, बॉस ने कहा जो करना है करो, जिसका मतलब चुपचाप अपने डेस्क पर बैठो और अपना काम करो। एक दिन हुआ नहीं काम पे आए हुए और छुट्टी मांगना शुरू हो गया। अंडरस्टैंड, ये कॉलेज नहीं ऑफिस है, यहाँ आने के पैसे मिलते हैं, अटेंडेंस नहीं। लेकिन वो बॉस ने तो कहा था कि मैं लंबी छुट्टी। तो जाओ लंबी छुट्टी ले लो, जो करना है करो, पर मैं तो सच ही कहूंगी, सुनना या ना सुनना मेरा काम नहीं है। मोहन जी। जी। एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। जी बोलिए ना। मेरे दादाजी की बरसी है और पूरा परिवार बद्रीनाथ जा रहा है, तो अगर मुझे 7-8 दिन की छुट्टी मिल जाती, मैं कल के दिन में सारा काम खत्म करके जाऊंगी। मेरी वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बद्रीनाथ जाना चाहती हो? 7 दिन या 8 दिन? 7 दिन भी मिल जाते तो। सॉरी, वो मैं नफे को ऑफिस से पिक करने जा रहा था, इसलिए थोड़ा लेट। नव्या, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे बॉस ने हाँ कहा है तो उनका मतलब भी हाँ ही होगा। अगर उन्हें मना करना होता तो वो हाँ क्यों कहते? ये त्रिशा ना गलत कह रही है। नहीं अनंत, वो इतनी देर से है कंपनी में, वो बॉस को अच्छी तरह जानती है। उनकी हाँ में कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे नहीं पता। मैं रिच और आपी से पूछती हूँ। हेलो रिच, आपी भी लाइन पे। सुनो। हाँ हाँ सुनाओ ना। नव्या, तुझे सुनाने का टाइम मिल गया? वैसे आज तुझे ऑफिस में लेट तक काम नहीं करना है, या फिर फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताना है? सॉरी रिच, लेकिन वो सॉरी तू क्यों बोल रही है? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए तुझसे, हमने तुमसे मिलने की हिम्मत की। अरे अभी प्लीज यार, सॉरी। फिर से सॉरी? तो इतनी बार सॉरी बोलेगी ना तो बोर हो जाएगी। क्या प्रॉमिस किया था तूने? कि कॉलेज खत्म होने के बाद तो हमसे रोज मिलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हुआ क्या? हम कौन है कोई आइडिया नहीं, लेकिन अनंत कौन है सब कुछ। नहीं रेनुका, शर्मा जी वो रिपोर्ट की डिटेल्स दोपहर तक भेजेंगे, आप प्लीज चेक करके मेरे टेबल पे रखवा दीजिएगा। ओह, आई एम सो सॉरी रेनुका, बिल्कुल भूल गया था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 9 दिन की तो बात है, मैं सब संभाल लूंगा।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाइए।